स्टूडेंट्स आई एम अजय पाल सिंह नेगी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ललोटना जौनपुर टेरी गढ़वाल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट वन ऑफ योर मैरीगोल्ड गोल्ड बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द वंडरफुल वेस्ट द वंडरफुल वेस्ट एज द नेम सजेस्ट वंडरफुल मीन्स बहुत ही बढ़िया और वेस्ट का मतलब कोई चीज जो बर्बाद है तो किस तरीके से कोई चीज ऐसी बर्बाद जिसको आप फेंकने वाले हैं और वो आप उसको वंडरफुल बना देते हैं दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर द पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी रीडिंग द चैप्टर देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द चैप्टर द डिफिकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स विल बी डिस्कस्ड the verbs used in the chapter now why verbs i always have a very 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 i always keep giving importance to the verbs because verbs has got five different forms sometimes it remains like this that we have got a verb fly a fly kamala bhattacharya sika or use for half flew. ya use have book me flown. और यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जब आपको फ्लाई आता है तो ये फ्लू और फ्लोन क्या है तो इसलिए जो है बहुत जरूरी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए वुड बी डिस्कसिंग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑल्सो विद मीनिंग्स वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवल को ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस इन द आफ्टरनून Before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket. ऑफ स्क्रैप्स नियर दुक वंस यानी एक बार की बात है द महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर ट्रेवन कोर है प्राचीन नाम कौन से हमारे स्टेट का हमारे टोटल कितने स्टेट right है वी हैव गॉट ट्वेंटी एट स्टेट्स इन अर कंट्री राइट ना आप पहले ट्वेंटी नाइन थे लेकिन जे एंड के को हमने क्या बना दिया है यूनियन टेरिटरी तो इसलिए जो है ट्वेंटी एट स्टेट्स हो गए हैं और यूनियन टेरेटरीज बढ़ करके हो गई हैं सेवन से नाइन तो ट्वेंटी एट स्टेट्स में से ट्रैबन कोर एक था तो ट्रैबन कोर का जो है जो पुराना नाम है ये हमारे एक स्टेट का जिसको हम बोलते हैं केरला केरला जो कि कहाँ है हिंद महासागर के बगल में केरला की एक खासियत ये है बच्चों कि जो है यहाँ पे हर चीज़ में कोकोनट जरूर डलता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे जो केरला से थे और वो हर चीज में उनका कोकोनट ऑयल कोकोनट जो है कच्चा कोकोनट वाला हर चीज में उनको कोकोनट चाहिए यहाँ पे भी आप देखेंगे बार बार कोकोनट यानी कि नारियल का यूज हुआ है तो वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस अब डिनर ग्रैंड डिनर ग्रैंड यानी कि बहुत ही भव्य डिनर डिनर कौन से समय पे लिया जाता है अभी बताएं हमारे पास जब हम मॉर्निंग में खाते हैं तो डेट इज कॉल्ड एज ब्रेकफास्ट क्या बोलते हैं उसको ब्रेकफास्ट कई लोग इसको ब्रेक फास्ट बोल देते हैं ये फास्ट नहीं है दिस इज ब्रेकफास्ट द प्रोनाशियन विल बी ब्रेकफास्ट दिन में हम खाते हैं लंच एल यू एन सी एच लंच और रात में यानी नाइट में हम लेते हैं क्या डिनर डिनर हम कब लेते हैं नाइट में डी आई डबल एन ई आर डिनर महाराजा ऑफ ट्रेवन को ऑर्डर्ड ग्रैंड डिनर इन हिस्स पैलेस पैलेस यानी राजा का महल जहां राजा निवास करते हैं ठीक है तो एक फोर्ट भी होता है फोर्ट का मतलब होता है किला किले के अंदर राजा के साथ साथ किले के अंदर फोर्ट एफ ओ आर टी फोर्ट के अंदर जो है आ, राजा का पैलेस हो सकता है उसकी प्रजा भी रह सकती है फोर्ट यानी किला एफ ओ आर टी दिस इज टी फोर्ट यानी किला कुछ कुछ वॉकेबलरी आपको बढ़ाते रहनी है अपनी साथ साथ में तो वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवन कोर ऑर्डर ग्रैंड डिनर इन हिस पैलेस यानी अपने राजमहल में यहां राजा रहता था एंड इन द आफ्टरनून हमारे पास टाइमिंग क्या क्या है हमारे पास मॉर्निंग का टाइम है मॉर्निंग मॉर्निंग हमारे पास एक है नून और एक होता है इवनिंग और एक होता है क्या नाइट ठीक है तो मॉर्निंग का मतलब सवेरे का समय नून का मतलब नून यानी दिन का बारह बजे और जब हम आफ्टरनून बोलते हैं यानी बारह बजे के बाद और इवनिंग कब शुरू होती है इवनिंग शुरू होती है शाम के चार बजे कई कई देशों में पांच बजे भी होती है छह बजे भी होती है वो डिपेंड करता है कि सूरज का जो है सूर्यास्त कब होता है सनसेट कब होता है इंडिया में नॉर्मली हम इवनिंग का टाइम फोर ओ ले लेते हैं उसके बाद आपने देखा होगा फोर ओ क्लाके बाद जब आपको कोई मिलता था आप गुड इवनिंग बोलते हैं और रात में जो है तब तक जो है आप चाहे रात के दस बजे भी आपको कोई मिल रहा है तो आप उसको गुड इवनिंग बोलते हैं और जब जाते समय आप गुड नाइट बोलते हैं गुड नाइट का मतलब होता है बाय यानी कि आपको कोई शाम के टाइम में मिल रहा है आठ बजे तो आप उसको गुड नाइट बोल करके वो करेंगे आप क्या बोलते हैं गुड इवनिंग ही बोलते हैं तो यहाँ पे जो है टाइम क्या है आफ्टरनून का है आफ्टरनून का टाइम होगा तो यानी कि जैसे कि हमने अभी बताया नून यानी बारह बजे तो बारह से लेकर के और इवनिंग में फोर पी का टाइम था इस बीच में राजा डिनर से पहले क्योंकि डिनर की तैयारी हो रही थी सब लोग लगे पड़े थे जो है डिनर बनाने में बहुत सारे कुक होंगे कुक को हम अब शेफ बोलते हैं है ना जो हमारे स्मार्ट कुक्स आ गए हैं फाइव स्टार होटल्स में तो अब पहले के जमाने में राजा लोग उसको कुक ही बोलते थे लेकिन आज की बात होते थे तो राजा शैफ की बात करता तो शैफ की स्पेलिंग है सी एच ई एफ शैफ ये एक फ्रेंच वर्ड है शैफ ठीक है डोंट गेट कंफ्यूज तो शैफ का मतलब भी कुकी होता है तो इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर यानी कि 12 से 4 का टाइम है मतलब कोई भी टाइम हो सकता हो एक बजे दो बजे तीन बजे राजा क्योंकि अब मेहमान आने वाले हैं और राजा महाराजा को जो है टेंशन है कि भाई क्या चल रहा है मैं जाके देखूं डिनर कैसा पक रहा है क्या चल रहा है द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे सर्वे करने के लिए द डिश इज डेट द फीस्ट फीस्ट यानी उस महाभोज के लिए जो डिश बन रही थी अलग अलग किस्म के व्यंजन पक रहे थे है ना उसमें तरह तरह के व्यंजन क्या हो सकता है छप्पन भोग हम बोलते हैं है ना हम उसमें ना? आप इतने सारे व्यंजनों के नाम हैं ना? अब उसमें साउथ इंडियन है पंजाबी है ना, केरला का जो है अब केरला की बात है तो साउथ इंडियन तो पकी रहा था और बहुत सारे और भी बन रहे होंगे चाइनीज भी बन रहे होंगे नूडल्स बन बन रहे होंगे जो भी बन रहा था तो राजा गया सर्वे करने के लिए यानी देखने के लिए सर्वे यानी एक जनरल व्यू लेने के लिए कि चल क्या रहा है भाई किचन के अंदर जाके तो देखो तो सही क्योंकि शाम को फीस है लोग आएंगे प्रिपेयर यहाँ पे जो है प्रिपेयर का मतलब होता तैयार करना ये वर्ब है प्रिपेयर की जो है सेकंड फॉर्म होती प्रिपेयर्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है प्रिपेयर्ड फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म इज अगेन पास्ट पार्टिसिपल एंटर जैसे यहां पर है ये भी वर्ब है enter. Enter, entered, entered. है है एंटर 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 का मतलब होता अंदर जाना एंटर्ड एंटर्ड फिर पे प्रिपेयर तो प्रिपेयर का बन गया प्रिपेयर्ड क्या लग गया इसमें डी लग गया ऐसे करके एंटर के अंदर एंटर पे जब ईडी लग गया था तो ये बन गया था सेकंड फॉर्म ड यानी तैयार करना तो प्रिपेयर फॉर द फीस की जो है क्या डिशेज बनी वर यू गोइंग टू डू विद दो या महाराजा ने पूछा, पूछा किससे पूछा अपने कुक से या अपने शेफ से कि आप जो है इस वेजिटेबल स्क्रैप स्क्रैप का मतलब होता है क्या फ्रैगमेंट यानी टुकड़े इन वेजिटेबल वेजिटेबल यानी सब्जी फ्रूट वेजिटेबल के नाम आपको आते ही होंगे और नहीं आते हैं तो आपको ज़्यादा ज्यादा नाम सीखने हैं समझने हैं राइट तो वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने वाले हैं वेजिटेबल के जो उन्होंने जो है जैसे आलू होंगे या खीरे होंगे है ना तो उनके जो है जो स्क्रैप थे जो है उनके जो बाहर के जो चिक्कल थे उनको पील आउट करके निकाल के वहाँ पे पूरा बास्केट भर दिया था टोकरी रख भर दी थी और वो तो अब इतने सारे लोग आने वाले हैं हजारों लोग आने वाले हैं तो वहाँ तो किलोज के हिसाब से पता नहीं कितने चालीस पचास किलो के स्क्रैप पड़े हुए होंगे तो उसने पूछा ही आज द कुक कुक से पूछा पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक उसने जो है कुक को जो है पॉइंट किया कि जो है कि भैया मेरे प्यारे कुक तुम ये बताओ कि जो ये बास्केट यानी ये टोकरी भरी हुई है स्क्रैप की स्क्रैप यानी तुम्हारे सब्जी के जो टुकड़े हैं और तो इसका क्या करने वाले हो भाई कहीं तुम तो इसको वेस्ट तो नहीं कर रहे हो वॉट यू आर गोइंग टू डू राइट तो यहां पे जो शब्द जो यूज हुए थे पैलेस सर्वे एंड स्क्रैप हमने डिस्कस किए आई होप कि जो है कि आपको समझ आया होगा ये लेट्स मूव अहेड दिस इज द सेकंड स्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल द रीडिंग पार्ट एंड देन आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दिस सेकंड स्लाइड द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट कुक ने क्या बोला दे आर वेस्ट we will throw them away hum unko hang you cannot waste all these bits and pieces of vegetables find a way to use them the maharaja commanded sternly and walked away the cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his the mind. The explanation The cook replied, Cook, yani chef. Usne jawab diya. Reply, replied, replied. Reply Kamalauta jawab deyna. The word is R E P. reply रिप्लाई रिप्लाई के तो जवाब देना उसकी जो है पास्ट फॉर्म है रिप्लाईड। रिप्लाई, रिप्लाईड, रिप्लाईड। कुक रिप्लाइड कुक ने जो है जवाब दिया किसको दिया महाराजा को दे आर वेस्ट दे आर वेस्ट दे यहाँ पे यानी किसको जो है वेजिटेबल का स्क्रैप्स वो जो है क्या है वेस्ट है वेस्ट यानी बर्बाद है कचरा है और हम क्या करने वाले हैं वी विल थ्रो थ्रो का मतलब होता है फेंकना फेंकना तो थ्रो का मतलब होता है फेंक देना, थ्रो away, हम उनको फेंक देंगे तो थ्रो इज अगेन verb, थ्रो का मतलब होता है फेंकना थ्रो थ्री थ्रोन तो क्या बोलता है कुक दे आर वेस्ट वी विल थ्रो them अवे हम उनको फेंक देंगे यू कैन नॉट waste all these bits and pieces of vegetables तो महाराजा क्या बोलते हैं मेरे प्यारे कुक क्यों भाई बर्बाद करना चाह रहे हो व्हाई यू आर वेस्टिंग अ सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ यू नो दैट वेजिटेबल स्क्रैप वेजिटेबल का स्क्रैप है वो वेजिटेबल का हिस्सा है लेकिन है तो वेजिटेबल ही तो उसको क्यों बर्बाद कर रहे हो ऐसा मत करो तो क्या तो आप नहीं कर सकते वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स क्योंकि क्यों नहीं कर सकते देखिए जिस किसान ने जो है उस वेजिटेबल को उगाया है मेहनत की है और किसान ने मेहनत की है धरती माता ने जो है वो सब्जी दी है हमें खाने के लिए तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसका केवल अंदर का हिस्सा लें और बाहर का हिस्सा जो है उसका वेस्ट कर दें तो राजा इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा असंकित थे वो नहीं चाहते थे कि वो बर्बाद हो तो क्या बोलते हैं वो फाइंड अ वे टू यूज कि उसको यूज करने का कोई तरीका ढूंढिए इसको यूज करने का उस वेजिटेबल के वेस्ट को जिसको जो है बर्बाद होना था तो राजा बोलते हैं फाइंड अ वे टू यूज देम उनको यूज करने का कोई तरीका ढूंढिए महाराजा कमांडेड स्टर्नली स्टर्नली का मतलब होता है बहुत ही कठोर शब्दों में कोई चीज बोलना स्टर्नली यानी स्ट्रिक्टली तो राजा ने कहा यानी राजा यानी महाराजा ने कहा स्टर्नली बहुत ही कठोर शब्दों में उन्होंने आदेश दिया और वॉकड अवे वॉक वॉकड वॉकड कमांड कमांडेड कमांडेड कमांड का मतलब होता आदेश देना वॉक का मतलब होता चलना तो वॉक वॉकड वॉकड चलना और वो चले गए तो उन्होंने जो है कुक को क्या बोला फाइंड अ वे टू यूज देम उसका इस्तेमाल किसी भी तरीके से करना ही करना है और उसको वेस्ट नहीं करना है द कुक वॉज इन एफिक्स अब ये इन इनफिक्स का मतलब होता है पजल्ट पजल्ट यानी कि कन्फ्यूज अगर हम हिंदी में जो है इसका लिए एक शब्द ढूंढे बड़ा ही मुश्किल होता है हिंदी में इंग्लिश में तो जो है फिक्स है या पजल बोल दिया हमने या कंफ्यूज बोल दिया हिंदी में जो है शब्द है इसके लिए किंग कर्तव्य विमूड जिसका मतलब होता क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति तो इन्हें फिक्स हो गया कौन कुक, कुक यानी हमारा शेफ जो राजा का शेफ था वो बड़ा कंफ्यूज हो गया कि राजा ने कहा भाई ये वेस्ट होना नहीं चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बोला था राजा ने अगर अब ये वेस्ट होता तो यानी कि राजा का आदेश का पालन नहीं होता और कुक तो जो है ऐसे ही फंसा और वैसे फंसा तो कुक ने कहा क्या करूं मैं, मैं क्या करूं बड़ा ही इन वाली स्थिति थी कुक के लिए तो द कुक वॉज इन एफिक्स यानी वो कंफ्यूज था एंड स्टेयरिंग स्टेयर स्टेयर तो ये इंग फॉर्म आगे स्टेयर की स्टेयर का है किसी को एक टक होकर के घूरते रहना स्टेयर जब हम कहीं कोई, कोई चीज को देखते हैं देखने के लिए हम लुक भी बोलते हैं सी बोलते हैं वॉच बोलते, बोलते हैं व्यू बोलते हैं गेज बोलते हैं, लेकिन यहां पे था स्टेयर यानी एक टक किसी को निहारना स्टेयर करना तो कीप कैप, कैप, कीप माने होता है रखना कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट द कुक वाज इन अ फिक्स कुक जो है बहुत कंफ्यूज था और उसने जो है वेजिटेबल स्क्रैप्स और वेजिटेबल के स्क्रैप्स को क्या करूं उसको वो देखता रहा अपना दिमाग लगाता रहा सोचता रहा कि क्या करूं इसका क्या करूं आइडिया तो लेना ही था खुद से राजा का आदेश था भाई पालन तो करना ही था ना यस yes. तो ही स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए तो दिमाग लगाया क्या करूं इसका सडनली यानी अचानक एन आइडिया फ्लैश हिज माइंड फ्लैश का मतलब होता है जैसे आपका कैमरा होता है कैमरा एक फ्लैश होता है यानी एकदम से लाइट जलना तो इसी तरीके से फ्लैश का मतलब यहां पर है कि जब कोई चीज कोई विचार आपके दिमाग में एकदम से आ गया तो फ्लैश सडनली एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज माइंड उसके दिमाग में एक आइडिया फ्लैश कर गया यानी कि एकदम से आया कि क्या किया जाए कुछ उसके दिमाग में आइडिया आया और नाउ द कुक और द शेफ वॉज रेडी टू इंप्लीमेंट this idea okay now the third slide first of all the reading part he took all the vegetable now the third slide in which first of all the reading and then the explanation will follow he took all the vegetable bits washed them and cleaned them well then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking. vegetables. A tempting smell started coming from the pot. <coughs> Let I explain it. He took all the vegetable bits. उसने जो है वो vegetable के bits यानी vegetable के टुकड़े लिए किसने लिए कौन है ये ही यानी कि cook. तो cook है male है तो इसलिए जो है he है लड़की होती तो हम use करते she. तो ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स टेक टुक टेकन टेक माने होता है लेना उसकी सेकंड फॉर्म है टुक ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स वेजिटेबल के बिट्स यानी कि सब्जी के टुकड़े वॉश 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 थ्री फॉर्म्स होती हैं wash, फॉर्म लगाएंगे तो वॉशिंग हो जाएगा वॉश माने होता धोना तो धोनाड एंड क्लीन 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 माने होता साफ करना तो क्लीन 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 दम वेल वेल यानी अच्छे से तो उसने क्या किया शेफ ने वेजिटेबल के बिट्स लिए, वेजिटेबल के टुकड़े लिए वॉश किया उनको अच्छे से क्लीन किया यानी अच्छे से धोया साफ किया अच्छे से धोया और साफ किया देन ही कट देम इन टू लॉन्ग स्ट्रिप्स उसने क्या किया फिर उनको काट दिया कट किया कट 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 इज अगेन अ वर्ब कट किया लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी कि पतले पतले उसने स्ट्रिप किए उनके पतले पतले टुकड़े किए लंबे लंबे राइट ही पुट पुट भी अगेन वर्ब है जैसे कट 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 की तीनों फॉर्म्स एक ही होती है ऐसे पुट का मतलब भी जो है पुट भी जो है एक वर्ब है जिसकी थ्री फॉर्म्स होती है पुट 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 तो ही पुट पुट माने होता है रखना पुट माने होता है रखना टू कीप समवेयर तो टू ही पुट दैम इन्यूज स्पॉट ह्यूज यानी कि होता है बड़ा पॉट यानी घड़ा यानी मिट्टी का घड़ा तो एक बड़े से घड़े में क्योंकि बहुत ज्यादा था वो जो टुकड़े थे तो यूज़ पॉट में उसने डाल दिए वो सारे किस क्या वेजिटेबल के बेड्स एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर और आग के ऊपर प्लेस कर दिया प्लेस प्लेस्ड प्लेस्ड प्लेस का मतलब होता है कहीं पर कोई चीज रखना तो प्लेस की सेकंड फॉर्म हो जाएगी यानी पास्ट फॉर्म प्लेस्ड एंड पास पार्टिसिपेट फॉर्म इज अगेन प्लेस्ड एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर फायर का मतलब आग तो ऑन द फायर टू कुक क्या करने के लिए रखा उसने फायर के ऊपर कुक करने के लिए तो अगेन कुक इज अ वर्ब कुक कुक्ड कुक्ड टू कुक पकाने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट यानी उसके बाद ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट उसने फ्रेश कोकोनट का यूज किया कोकोनट यानी नारियल ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज चिली 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 यानी चिली यानी आपका मिर्च तो कैसी मिर्च हरी मिर्च मिर्च तो लाल भी होती है वैसे मिर्च ज्यादा खाने नहीं चाहिए तो लेकिन ये लोग यूज करते हैं तो कई लोगों को मिर्च पसंद भी होती है बट हमें ज्यादा ज्यादा कम सॉल्ट और कम चिल्ली में काम चलाना चाहिए हमारी हेल्थ के लिए चिल्ली ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन चटवटा बनाने के लिए लोग चिल्ली का यूज़ करते हैं आप लोग भी खाते होंगे तो सम फ्रेश कोकोनट जो है उसने मिलाया कुक ने उसमें ग्रीन चिल्ली मिलाई एंड गार्लिक टुगेदर गार्लिक का मतलब गार्लिक का मतलब लहसन तो लहसन हो गया चिल्ली हो गया ग्रीन चिल्ली एंड फ्रेश कोकोनट को तो मिला करके एक साथ और उसका बना दिया उसने पेस्ट एंड ही added एड add, added एडिड एड मतलब होता कोई चीज किसी चीज में मिलाना तो आ, उसमें जोड़ देना या मिला देना ही एडिड दिस पेस्ट जो उसने पेस्ट बनाया था उसने इस पेस्ट को क्या किया उसमें जो है कुछ सॉल्ट मिलाया उसमें टू द कुकिंग वेजिटेबल्स कुकिंग वेजिटेबल्स में सॉल्ट मिलाया जो वेजिटेबल बना रहा था तो कुक का इंग फॉर्म में कुकिंग हो जाएगा बॉब का तो उसने तो जो है यहाँ पे वेजिटेबल में वो मिलाया एंड अटेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट और एक बहुत ही लुभावनी बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ही आकर्षित कर देने वाली बहुत बहुत ही मनमोहक स्मेल यानी खुशबू स्टार्ट start, स्टार्टेड स्टार्टेड यानी आने लगी शुरुआत हो गई उस खुशबू की जैसे आपने देखा होगा जब बासमती के चावल पकते हैं घर में तो जो है आ, क्या खुशबू आती है उससे जबरदस्त इसी तरीके से एक टेम्पटिंग स्मेल जो है एक अलग किस्म की बहुत ही मनमोहक कि जो भूखा होगा तो उसकी भूख और बढ़ा देने वाली ऐसी टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट पॉट से आने लगी नाउ ही विन सम ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद The curry leaves with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. एक्सप्लेनेशन पार्ट नाउ ही विप्ड सम कर्ट उसने क्या किया दही. दही. दही को उसने फेंटा खूब घुमाया और उसने जो है क्या किया उसको कड़ी में मिला दिया एडेड इी किस किसका जो है वो कर्ड का जो है कर्ड को उसने खूब घुलाया और उसको कड़ी में मिला दिया ही ऑल्सो पोर्ड पोर्ड का मतलब किसी चीज को ऊपर से डालना जैसे जब सब्जी पक रही होती है तो ऊपर से पानी को हम क्या करते हैं पोर करते हैं तो ही पोर पोर्ड पोर्ड पोर इज अ वर्ब ही आल्सो पोर्ड अ फ्यू अ फ्यू का मतलब होता है कुछ स्पूनफुल यानी कि स्पून का मतलब चम्मच तो कुछ चम्मच भर करके कोकोनट ऑयल भी यूज किया एंड डेकोरेटेड द डिश और डेकोरेट डेकोरेटेड डेकोरेटेड डेकोरेट का मतलब होता है किसी चीज को सजाना तो उसने डेकोरेट किया डिश को विद करी लीवस करी लीव्स के साथ क्या किया उसने डिश को सजाया ताकि देखिए सारा का सारा गेम है प्रेजेंटेशन का वही चाय आपके जो है ढाबे में मिलती है वही चाय आपके जो है राजमहल में मिलती है वही चाय जो है आपके फाइव स्टार में मिलती है किस तरीके से जो है डेकोरेट किया जाता है तो जो ये बड़े बड़े टॉप लेवल के शेफ्स होते हैं इनको पता रहता है कैसे डेकोरेट किया जाता है तो उसने जो है उसको उस डिश को करी लीव्स के साथ डेकोरेट किया और क्या बोला low and behold लो एंड बीहोल्ड का जी बन गया यूज टू प्रेजेंट ये लो एंड बीहोल्ड जो है ये एक अपने आप में क्या है ये एक फ्रेज है. तो उसने बोला लो एंड लो जी बन गया है रेडी है यस yes, बन गया है जो राजा ने जो दिया था उसको टास्क वो काम हो गया है मेरा काम हो गया है मजा आ गया ऐसा जो है उसके शब्द निकले कि लो एंड बीहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी नई डिश क्या थी रेडी थी द कुक सर्व सर्व का मतलब होता है कहीं पे सर्व करना सर्व uh, करना मतलब सब का जो है हिंदी में एक्चुअली जो um, वो होगा कहीं पे uh, अपने सेवाएं देना तो कुक सर्व तो सर्व की जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म सर्व सर्ब्ज तो कुक ने जो है सर्व किया यानी कि उसने परोसा दिस न्यू डिश यहाँ पे सर्व का मतलब यहां पे है परोसने से द कुक सर्ब न्यू दिस न्यू डिश टू दैस्ट गेस्ट यानी मेहमान मेहमानों को एट इवनिंग उस शाम को एवरी वन वॉज ईगर ईगर का मतलब जानने का इच्छुक तो एवरी वन वो जानना चाहता था क्योंकि खुशबू इतनी जबरदस्त थी और ऐसी डिश किसी ने कभी खाई नहीं थी तो हर कोई ये जानना चाहता था कि जो है एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश कि इस डिश का नाम क्या है भाई एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड टू नो तो कुक थॉट एंड थॉट थिंक की जो है सेकंड फॉर्म हो जाती है थॉट तो थिंक थिंक मैंने सोचना तो so, कुक ने सोचा और सोचा यानी कि उसने दिमाग लगाया पहले उसने डिश बनाने में दिमाग लगाया था अब नाम सोचने में क्योंकि ये उसका आविष्कार था उस क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने जो है सोचा ही नहीं था कि जो है कि इन इस सब्जी के छिलकों से भी जो है कोई डिश तैयार हो सकती है कुक थॉट एंड थॉट क्योंकि इट वॉज द बेबी ऑफ कुक ये जो नई डिश थी ये किसका बेबी था? उस था उसने तैयार किया था उसने किया था, तो नाम भी देना थाम टू हिस्स माइंड ही नेट अफल अल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज एन ट्रेडिशनल केरला फीस एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट देन अम केम टू हिज माइंड उसके दिमाग में जो है उसके दिमाग में एक नाम आया क्या आया ही नेम्ड इट अल यहां पर अलिंग इज एवी आई ए एल उसने नाम दिया इसको अवियल अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला पूरे केरला यानी जो ट्रेवन कोर हम जिसका नाम था स्टार्टिंग में प्राचीन नाम केरला का देखो केरला आ गया है नाम यहाँ पर तो ये जो है पूरे केरला में फेमस हो गया क्या अवियल एंड इज द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फीस्ट तो जब भी केरला में कोई भी जो है महोत्सव मनाया जाता है तो उनके ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल का मतलब होता है जो उनके ओल्ड कस्टम्स होते हैं जहां पे चाहे वो धार्मिक हो रिलीजियस या उनके जो हैं वैसे ही हो उनके अपने कल्चरल आ, ट्रेडिशनल आ, फीस्ट जब देने हो ना? है ना बहुत सारे होते हैं कोई किसी का बच्चे का मुंडन है किसी की शादी है किसी का कुछ है किसी का कुछ है तो जब भी कोई ऐसा केरला में फीस दिया जाता है लोगों को मेहमानों को तो लोग अब सब्जी खाने से ज्यादा सब्जी के छिलके का जो डिश था वर इंटरेस्टेड इन टैच राइट एंड इमेजिन और सोचिए इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ कि जो है कि जो बास्केट यानि जो वेस्ट जो बास्केट का टोकरा था है जिसको फेंकने वाले थे या जानवरों को देने वाले थे उस वेस्ट से जो है निकाल करके इस बास्केट का जो जो बास्केट था वेस्ट का इस डिश अवियल को बनाया गया और सोचिए कि जो है कि राजा ने कितना महान काम किया लेकिन उससे ज्यादा बड़ा काम किसने किया उस शेफ ने उस कुकने किया तो प्यारे बच्चों हमें यह समझना है द बेस्ट मैसेज विच दिस चैप्टर कन्वेज इज दैट वी शुड नॉट वेस्ट आर फूड विच हैज़ बीन ग्रोन बाई आर फार्मर्स है ना बाई बाई लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड स्वेट हमें क्या करना चाहिए हमें चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए खाने की चीज़ों के जो है इम्पोर्टेंस समझिए जब खाना की थाली आपके सामने है और खाने को वेस्ट ना करें और कोशिश करें कि जो है कि कोई भी चीज वेस्ट ना जाए खाने की क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको खाना ही नहीं मिल पाता है राइट right? तो ये तो बहुत ही अच्छा काम किया राजा ने भी और शेफ ने भी सो दैट वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर सो द पॉइंट्स विच वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर आर दैट आई हैव रेड द चैप्टर फॉर यू देन वी ऑल्सो डिड द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ इट द डिफिकल्ट वर्ड्स were discussed with their meanings. The verbs used in the chapter were also being discussed. So so uh, this was the chapter, The Wonderful Waste. And I hope that you might have enjoyed it. See you in the next video, in which I would be explaining the question and answers of this chapter. So that's all from my side. Thank you very much.